तो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हो मैंने अपनी गेम में जो टीवी है उसे चला दिया है और इसमें इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की वीडियो चल रही है। हेलो दोस्तों, आई एम बैक विद न्यू गेम प्ले वीडियो। तो दोस्तों आज की गेम प्ले वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि आप सभी लोग अपने गेम में जो LCD है उसे कैसे चला सकते हो। ये जो बड़ी सी टीवी आप सभी लोग देख रहे हो इसे आप सभी लोग ओपन कर सकते हो, इसमें कुछ भी देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को ये टीवी चलाने का चीट कोड बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले हमारे सामने कुछ शर्तें हैं, हमें कुछ मिशन पूरे करने पड़ेंगे जिसकी मदद से हम इस टीवी को चला पाएंगे। तो अभी चलिए हम अपना मिशन पूरा करते हैं और फिर इसके बाद टीवी चलाते हैं। लेकिन यार मैं इतने बड़े घर को खाली नहीं छोड़कर जा सकता, यहाँ पर मुझे कुछ सिक्योरिटी गार्ड लगाने पड़ेंगे ताकि मेरे घर में कोई घुसे नहीं। तो इसीलिए मैं अपना मोबाइल निकालता हूँ और मैं यहाँ पर छोटा वाला जो बेलो सिलेक्टर है उसे यहाँ पर मंगा लेता हूँ। तो अभी एक बेलो सिलेक्टर तो मैंने यहाँ पर स्पॉन कर लिया है, चलो अभी एक और कर लेता हूँ। ये दोनों अच्छे से मेरे घर का ख्याल रखेंगे। मैं एक को इस तरफ खड़ा कर देता हूँ ताकि इधर से आने से ये रोक सके किसी को भी। तो मैंने यहाँ पर दोनों बेलो सिलेक्टर अपने घर के आगे खड़े कर दिए हैं और अब मैं चलता हूँ पेट्रोल पंप पर। तो अभी मैं आप सभी से बता दूं कि मुझे यहाँ पर टास्क क्या मिला है टीवी चलाने के लिए। तो गाइस अभी मैं पेट्रोल पंप पर जाऊंगा और मुझे वहाँ पर एक बुगाटी मिलेगी और वो बुगाटी मुझे इस घर पर लानी है और मेरी टीवी फिर चल जाएगी। तो ये एक सिंपल सा टास्क है जिसे आप भी पूरा कर सकते हो। तो अभी मैं पहले पेट्रोल पंप पर जाकर देखता हूँ कि मुझे वहाँ पर कोई बुगाटी मिलती है या नहीं मिलती है। वैसे दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताओ, और वीडियो आप सभी को कैसी लग रही है कमेंट करके ये भी बता दो यार, जल्दी से कमेंट कर दो नए फटाफट। तो फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ अभी पेट्रोल पंप पर, लेकिन मुझे यहाँ पर कहीं बुगाटी देखने को तो मिल ही नहीं रही है यार। क्या ये टास्क हमारा पूरा ही नहीं हो पाएगा? तो गाइस मैं आप सभी से बता दूं कि अभी हमारे गेम में ऐसा कोई टास्क नहीं आया है जिसकी मदद से हम अपने गेम में टीवी चला सकें। अगर गाइस आप सभी को टीवी चलाने का चीट कोड चाहिए तो मेरी वीडियो में कमेंट कर दो, मैं आप सभी को चीट कोड बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों मैं अभी आप सभी को बता देता हूँ कि आप सभी लोग अपने गेम में मल्टीप्लेयर को कैसे ले सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पर अपना आर्मी टैंक मंगा लेता हूँ, आप सभी लोग देख सकते हो जैसे ही मैंने यहाँ पर 40-40 डायल किया मेरे सामने आर्मी टैंक आ चुका है और मैं इसे अब मल्टीप्लेयर में चलाने वाला हूँ। तो अभी सबसे पहले मैं अपनी बाइक लेकर आता हूँ इस आर्मी टैंक के पास में और फिर आप सभी को बताऊंगा कि आप सभी लोग कैसे चला सकते हो आर्मी टैंक को मल्टीप्लेयर ऑप्शन में। तो दोस्तों अभी आप सभी को कुछ नहीं करना है, बस सिंपली से बाइक लेकर आनी है और यहाँ पर आर्मी टैंक के साइड में खड़ी कर देनी है और उसके बाद आप सभी लोग बाइक से उतर जाना और जब आप उतरो तो आपको बाइक और टैंक चलाने का एक साथ ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों मैंने अभी बाइक और आर्मी टैंक चलाने वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है और आप सभी लोग देख सकते हो जैसे ही मैं बाइक को ड्राइव कर रहा हूँ तो मेरा आर्मी टैंक भी खुद ड्राइव हो रहा है, वो भी आगे की तरफ चल रहा है, आप सभी लोग देख सकते हो। तो दोस्तों इस ट्रिक की मदद से आप सभी लोग अपने गेम में मल्टीप्लेयर का मजा ले सकते हो, बिल्कुल फुल मजा ले सकते हो मल्टीप्लेयर का। सेम ऐसा ही एहसास होगा जैसे कि आप सभी लोग मल्टीप्लेयर खेल रहे हो। तो आप सभी लोगों को ये मल्टीप्लेयर की ट्रिक कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ और अपने गेम में इस ट्रिक को एक बार जरूर से खेल के देखो यार, आप सभी को कैसा फील होता है कमेंट करके वो भी बता देना। और दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताओ। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आप सभी के लिए एक से एक न्यू अपडेट की वीडियो लेकर आता रहता हूँ और आप सभी को न्यू ट्रिक के बारे में बताता रहता हूँ। तो दोस्तों मैं तो अपने गेम में फुल मल्टीप्लेयर का मजा ले रहा हूँ, आप भी मजा लो। बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो सभी लोग।